नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार बिहार में आ चुकी है और बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। मोकामा सीट और गोपालगंज सीट दोनों बिहार के लिए हाईलाइटेड सीट है, क्योंकि मोकामा में आपको पता ही होगा किस तरीके से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जेल हो गई है, सजा हो गई है और मोकामा से उनकी पत्नी जो है लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बातचीत करते हैं गोपालगंज के। आज के इस वीडियो में गोपालगंज उपचुनाव पर चर्चा होगी। गोपालगंज में सुभाष सिंह जो विधायक रह चुके हैं उनका निधन हो गया और निधन होने के बाद अब गोपालगंज में भी उपचुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि गोपालगंज में कहीं ना कहीं भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए कि इस वक्त जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, RJD को इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत भी है और RJD की दावेदारी जो है वो सबसे प्रबल है। RJD की प्रबल दावेदारी है। हालांकि सुभाष सिंह जो भाजपा के विधायक रहे हैं गोपालगंज से, वो जीते थे, लेकिन इस बार ये फैक्टर थोड़ा अलग पड़ सकता है, इसलिए कि RJD की मजबूत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि 2020 की बातचीत करें तो वहाँ पे कांग्रेस ने महागठबंधन से कांग्रेस को सीट दिया गया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस वक्त जो बिहार की राजनीति में हलचले हैं कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बोचहां उपचुनाव में आपने देखा कि भाजपा को करारी हार मिली थी, तो कहीं ना कहीं बिहार में इन दो सीटों पर, यानी कि मोकामा की बातचीत कर ले या फिर गोपालगंज की बातचीत कर ले, तो इन दो सीटों पर भाजपा की लड़ाई जो है वो काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा अभी फिलहाल बिहार में अलग थलग पड़ी हुई है, भाजपा का साथ देने वाला कोई नहीं है, ऐसे में ये उपचुनाव उनके लिए आने वाले 24 और 25 के चुनाव पे भी कहीं ना कहीं नज़रें बना सकती हैं। आपको गोपालगंज के उपचुनाव की बातचीत करेंगे तो अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां जो है वो शुरू की है। राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह यानी मोकामा से सजा होने के बाद उनका सीट जो है वो खाली हुआ है, जबकि भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के असमय निधन से गोपालगंज का सीट जो है वो रिक्त हो गया, यानी खाली हो गया है। अब दोनों का प्रयास अपने सीट को बचाना है और दूसरे के हथियाने पर उनको रोक लगाना है। जदयू के साथ गठबंधन करने के बाद राजद अभी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। भाजपा के लिए राजद की ये ताकत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वो अकेला पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बातचीत करेंगे, ऐसे में गोपालगंज की जो सीट है वहाँ पर भाजपा को लाने में कितना सफल हो पाएगा भाजपा, इसके लिए लड़ाई जो है वो तैयारी शुरू करनी होगी उसको। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं गोपालगंज से, जो सुभाष सिंह की पत्नी है उनको जो है वो सीट देने की तैयारी चल रही है भाजपा से। अगर उनको सीट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट होता है वो मिल सकता है, लेकिन किसी कारणवश अगर थोड़ा सा भी तालमेल इधर उधर गड़बड़ हुआ तो गोपालगंज का सीट भी, जैसे बोचहां में भाजपा ने अपना सीट गवाया है, वैसे ही गोपालगंज में भी गवा सकती है। तो एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। इस वक्त NDA गठबंधन टूटा हुआ है, नीतीश कुमार RJD के साथ मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो लड़ाई तेज करनी पड़ेगी अपनी सीट बचाने के लिए। चूँकि गोपालगंज और मोकामा सीट जो है बिहार के लिए काफ़ी हाईलाइटेड सीट माना जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारी BJP की तरफ से करनी शुरू कर देने चाहिए। आपको बता दें कि सुभाष सिंह लगातार 4 बार से जीत रहे हैं सीट से। सुभाष सिंह हर बार प्रतिद्वंदी जो है उनका बदल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में कांग्रेस अपना सीट दिया हुआ था, कोई वहां पे प्रत्याशी राजद की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से उनको मिल नहीं रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस के खाते में चली गई थी और कांग्रेस से वहां पे हार हो गई थी। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, जदयू साथ आ गई है तो RJD को कहीं ना कहीं मजबूती मिल सकती है। आपको बता दें कि भाजपा ने अगर सुभाष के परिवार से, यानी कि जना मैंने जैसा कि कहा कि अगर उनकी पत्नी को दिया जाता है तो भाजपा इस सीट को सिंपैथी वोट के सहारे जो है वो बचा सकती है। लेकिन क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि गोपालगंज से जो सुभाष सिंह रहे हैं 4 बार से विधायक जीत रहे हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनकी पत्नी को सीट दिया जाएगा, जो खबरें आ रही हैं, चर्चाएँ चल रही हैं कि अगर उनकी पत्नी को सीट दिया जाता है तो शायद गोपालगंज से भाजपा की सीट जो है निकल सकती है। तो जो भी अपडेट्स होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।